बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 and 8। सो दिस इज़ अ सेकेंड लेक्चर रिगार्डिंग योर कोलैबोरेटेड मैथमेटिक्स लेक्चर ऑफ क्लास 7 and 8। एंड यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट लेक्चर ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यू नो द क्वेश्चन आंसर्स, द एक्सरसाइज सॉल्यूशन बेस्ड लेक्चर। नाउ इन दिस लेक्चर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग all the concepts that we have done theoretically in the last lecture, okay, why set is important, why do we use this concept of set theory or all the you know interrelated concepts। so ye jo aapko slides abhi video mein nazar aa rahi hain ya aapke question answer questions ki hain jo hum apne is video mein solve karne ja rahe hain। so let's begin with the first question, which is asking us you know to drive out all the power set from a set। तो हमें ये question number 2 में part 1 है जिसमें लिखा हुआ है a set which is containing a single element A and then a set containing with two elements X and Y। so you know power set और subset में देखें एक difference मैं आपको बताता चलूँ। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। पावर सेट जो है वो तमाम पॉसिबल सबसेट जो किसी भी पर्टिकुलर सेट में से ड्राइव आउट किए जाते हैं उसके कलेक्शन का जो हम उसके जो कलेक्शन होता है उसको पावर सेट कहते हैं। जिस तरीके से एक सेट में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होती है इस तरीके से एक पावर सेट में कलेक्शन ऑफ सबसेट होते हैं। इज इट ऑल क्लियर? इसी तरीके से सबसेट जो है वो आपका किसी भी सेट के मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि तमाम उसको उसके एलिमेंट्स का पॉसिबल सबसेट बनाए, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट पावर सेट तो हमें उसके तमाम सबसेट ड्राइव आउट करने पड़ते हैं। Let's look at the example. So start with the example number 1, जिसमें आपके पास one element given है, a set of element A। इसका जो power set होगा उसको हम कैसे drive out करेंगे कि एक वो power set जिसमें तमाम elements होने चाहिए। तो एक सेट ऐसा जिसके जिसमें कोई एलिमेंट ना भी हो वो भी उसका सबसेट है, और एक वो जिसमें उसका पर्टिकुलर वो एलिमेंट अवेलेबल है तो वो भी उसका सबसेट है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन उस सेट की पावर सेट बन जाएगी। तो पावर सेट ऑफ सेट ए जिसमें एक ही एलिमेंट है वो आपके सामने मेंशन आउट है। फार्मूला जो है जिसके अंदर पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 पावर के, के स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हियर इन दिस केस वी हैव वन एलिमेंट, सो 2^1 वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ 2। सो दैट वुड बी पावर सेट वुड बी इन क्वांटिटी इक्वल्स टू 2। तो हमारे दो पावर सेट बने, एक नल और एक जिसमें कंटेनिंग ए है। इसी तरीके से जो एग्जांपल नंबर 2 है वो है जिसमें देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द सेट। तो व्हेन वी अप्लाई द फार्मूला 2^1 2^k तो इसमें हम 2^2 दैट वुड बी 4। इसका मतलब इसके 4 सबसेट बनेंगे, तो वो 4 सबसेट की कलेक्शन इसकी पावर सेट बनेगी जो कि आपके इसमें सॉल्व आउट कर दी गई है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन के जो फर्दर पार्ट्स हैं वो आपकी यू नो आपके बिहाफ पर आते हैं, दैट यू हैव टू सॉल्व इट आउट, और वो आपने अपने ग्रुप ईवीपी ग्रुप पे अपलोड करने हैं सो दैट आई कैन चेक आउट द अंडरस्टैंडिंग एट योर साइड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड एंड थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज इंटरसेक्शन एंड यूनियन। देखिए इंटरसेक्शन क्या है, टू टेक आउट द कॉमन, टू टेक आउट द म्यूचुअल एलिमेंट्स आउट ऑफ टू सेट। ठीक है, दो सेट आपको गिवन है उनमें से आपने देखना होता है कि दोनों सेट में से कौन से एलिमेंट हैं जो आपके कॉमन हम फिगर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो क्लासेस हैं, एक 9A एक 9B, तो आपको ये कहा जा रहा है कि 9A और 9B में से फाइंड आउट करना है वो कॉमन स्टूडेंट्स जिनका हमें एक पर्टिकुलर सेट बनाना हो जो बायोलॉजी अटेंड करते हो। ठीक है, 9A 9B जिसमें से आपने इंटरसेक्शन निकालनी है, एक सेट बनाना है उन स्टूडेंट्स का जो दोनों में बायोलॉजी अटेंड करने में इंटरेस्टेड हो। तो ये इंटरसेक्शन का बेसिक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, एक सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 है, दूसरा है
बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसका आपने इंटरसेक्शन निकाला, मैंने इसकी वेन डायग्राम भी बनाई हुई है। यूनियन क्या होता है कि यूनियन में आपको कॉम्बिनेशन करनी है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसके स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के और एक क्लास है जिसके स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के। अब हमने बोला कि इन दोनों को कंबाइन करो ताकि हमें पता चले केमिस्ट्री अटेंड करने वाले स्टूडेंट की क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल आपको सेट दिया हुआ है जिसमें 384 है और एक में है नल सेट। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन में आपका 384 उसकी कॉम्बिनेशन बन गई। तो इंटरसेक्शन में यू आर टेकिंग आउट द कॉमन द म्यूचुअल एलिमेंट्स आउट ऑफ द टू सेट एंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन साइड। यूनियन कॉन्सेप्ट में यूनियन का मतलब ही यूनाइट करना होता है। इज दैट क्लियर? यू आर गोइंग टू यूनाइट ऑल द एलिमेंट्स। रिपीट ऑब्वियसली कोई नहीं होगा, जो अगर रिपीट हो रहा हो तो दैट वुड बी रिटन ऑन द ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिपीट कोई नहीं होगा, उसको आपने कंबाइन करना है। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है कि हम ये इंटरसेक्शन कर क्यों रहे हैं। सॉल्यूशन करना कोई इशू नहीं है, समझना इज द इशू। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये इस तरह ऐड होता है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया जाता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपके पास जो भी सेट दिए जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए कहा जाता है इंटरसेक्शन का, यूनियन का। आप इंटरसेक्शन और यूनियन यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। कॉम्प्लीमेंट्री जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में ये होता है कि आपको एक मेन सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है उसको टेक आउट करना होता है, माइनस आउट करना होता है। इंटरसेक्शन में आपने कॉमन फिगर रखने और कॉम्प्लीमेंट्री में से आपने एक बड़े सेट में से छोटे सेट को टेक आउट करना है, माइनस करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि आपको यूनियन का या इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो पैरेलल एक साथ दो या मोर देन टू सेट्स में करना है। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन में तो ये है कि आप तमाम सेट्स को एक साथ लिख सकते हैं जैसे इट इज बीइंग डिस्प्लेड इन दिस वीडियो। इंटरसेक्शन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी, तो आपको पहले दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, देन उस दो सेट के इंटरसेक्शन वाले सेट को तीसरे सेट में से इंटरसेक्शन करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पहले किया, उसके बाद उसके रिजल्ट को इंटरसेक्ट किया सी में से, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। यहाँ आपको दो इक्वेशंस को प्रूव करना है, घबराना नहीं है, और ये असली वाला घबराना नहीं है, ठीक है? तो कहे ये रहे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब स्टेप वाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ था उसमें से हमने ए माइनस किया तो ए कॉम्प्लीमेंट आया, बी माइनस किया बी कॉम्प्लीमेंट आया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, जो रिजल्ट आया उसको हमने यूनिवर्सल में से माइनस किया तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो जब हमने ये स्टेप वाइज सॉल्व आउट किया, ए कॉम्प्लीमेंट के बाद बी कॉम्प्लीमेंट के बाद इन दोनों का यूनियन किया, हमारे पास इक्वेशन बना गई सामने नजर आ रही है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद उनका यूनियन यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट किया तो वो जो हमारी थी वो इक्वेशन टू थी। हम देख सकते हैं कि इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आर इक्वल एंड हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड आउट। ये लीजिए भी एक और नया जाविया, इसमें आपके साथ सीन क्या है कि सेट ए दिया हुआ है, उसके बाद सेट ए के इंटरसेक्शन और यूनियन का रिजल्ट दिया हुआ है और बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपने बी निकालना है, ठीक है, बी सेट को फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो ए हमें दिया हुआ था, उसका इंटरसेक्शन का रिजल्ट दिया हुआ था, यूनियन का इंटरसेक्शन दिया हुआ था। तो जब ए यूनियन बी हमें मिला हुआ है तो हमें पता है कि ए यूनियन बी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो हमने इसमें से ए को माइनस किया, मतलब कॉम्प्लीमेंट किया, टेक आउट किया, तो जो रिजल्ट बचा वो हमारा बी बचा। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, मतलब यूनियन है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ ए एंड द सेट ऑफ बी। उसमें से जब हम सेट ए निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली बी बचेगा। इज दैट ऑल क्लियर? तो जी हमारा ये सेशन आउट हुआ, चैप्टर वन हमने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों ने बेसिकली इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, वो सॉल्व आउट करने हैं, अपलोड करने हैं ईवीपी में। गुड लक, चिल आउट, अल्लाह हाफिज़।